दोस्तों बिग बॉस ओटीटी का आज का वीकेंड का वाला एपिसोड काफी कमाल का रहेगा। हालांकि दोस्तों बीते एपिसोड के दौरान एविक्शन के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हो पाई थी क्योंकि साइरिस ने पूरे एपिसोड को खींच दिया था और कहीं ना कहीं एपिसोड को अधूरा छोड़कर सलमान खान चले गए। साइरिस को जाते जाते ये कह गए कि अगर आपको घर से बाहर जाना है तो भाई जियो वालों से और बिग बॉस वालों से बात कर लो, 2 करोड़ रुपए चुकाओ पेनल्टी और चले जाओ। तो दोस्तों आपको बता दे कि एविक्शन को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर आप भी काफी खुश हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों इस हफ्ते अभिषेक मल्हन यानी कि हमारे फुकरा इंसान और जिया शंकर के अलावा पूरा घर घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड है। और बात अगर वोटिंग्स की जाए तो यहाँ पर सबसे बॉटम में है उनमें अविनाश का, फलक का और जेड हदीद का नाम है, लेकिन साइरिस ब्रोचा जो है उनको यहाँ पर मनीषा रानी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। यानी कि साइरिस को अगर वोटिंग के आधार पर देखा जाए तो वो कहीं नहीं जाने वाले। हालांकि आपको बता दें कि साइरिस 2 करोड़ रुपए चुकाकर भी घर से बेघर नहीं होना चाहते और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आज के एपिसोड के दौरान हमें एविक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज कोई भी घर से बेघर नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी घर से बेघर नहीं हुआ है। वीकेंड के वाले एपिसोड की शूटिंग पूरी हो चुकी है बीते दिन और अभी तक सारे के सारे कंटेस्टेंट घर के अंदर ही है। और सुनने में तो ये आ रहा है कि अब घर के अंदर जल्दी हमें इसी हफ्ते में कोई ना कोई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों बीते दिन सलमान खान ने घर के अंदर अनाउंसमेंट करके घर वालों को बता दिया कि शो जो है अब वो 2 हफ्ते और ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है। यानी कि पहले जहां 1.5 महीने में शो का ग्रैंड फिनाले था तो अब वही ग्रैंड फिनाले के लिए हमें 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। ये तो खैर फैंस के लिए काफी अच्छी बात है क्योंकि मनीषा और फुकरा इंसान के फैंस जो है वो उन दोनों को और भी लंबे समय तक साथ देख पाएंगे। फिलहाल दोस्तों आपका इस खबर पर क्या है कहना अपने राय कमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।